इन दिनों रुद्रप्रयाग बेली पुल के सौंदर्यकरण का काम जारी है और बेली पुल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। पुल सौंदर्यकरण का कार्य पूरा होने के बाद देश विदेश के श्रद्धालुओं को यह पुल अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए रिपोर्ट। इंतजार खत्म, बेलनी पुल का सौंदर्यकरण, रोशनी से जगमग होगा बेलनी पुल। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय स्थित अलकनंदा नदी पर बने बेलनी पुल का कायाकल्प होने जा रहा है। इस पुल को डोबरा चांटी पुल की तर्ज पर बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अभी पुल के मरम्मतीकरण का कार्य जोरों पर है, इसके बाद पुल पर लाइटिंग का कार्य किया जाएगा। टिहरी के डोबरा चांटी पुल की तर्ज पर अब रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में बेलनी में भी इस पुल का कायाकल्प होगा। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जो बेलनी पुल है, इसकी स्थिति बेहद ही दयनीय है। हर यात्रा सीजन में भारी लोड वाहन के लिए इसको बंद किया जाता है, पर लेकिन अब इसकी स्थिति को सुधारा जा रहा है। पहले जहां बरसात के समय पुल में गंदा पानी आने से राहगीरों के साथ यात्रियों को मुसीबत होती थी, वहां पर अब वाटरप्रूफ सड़क तैयार होने से गंदे पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। पुल के रोशनी से जगमग होने के बाद रुद्रप्रयाग की सुंदरता पर चार चांद लग जाएंगे। इससे रुद्रप्रयाग शहर पर्यटन का केंद्र बन जाएगा और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। देश विदेश से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ये पुल अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग इस पुल की स्थिति को सुधार रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस पुल पर कार्य चल रहा है। एक सप्ताह से इस पुल पर कार्य चल रहा है, इस पुल के मरम्मत का कार्य चल रहा है। काफी लंबे समय से इस पुल पर दिक्कतें पैदा हो रही थी, भारी लोड वाहन को यहां पर बंद किया गया था, जिसके बाद से छोटे वाहन ही इस पर चल पा रहे थे, पर लेकिन अब कुछ समय पहले एक हफ्ता का हम समय मान सकते हैं, तब से इस पे काम चल रहा है और इस पे वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, जिससे बरसात के समय इस पुल पे कोई भी दिक्कत ना हो, पानी की समस्या ना हो। इसके अलावा पुल की जो जर्जर स्थिति है, इसको भी सुधारने का यहाँ पे काम लोक निर्माण विभाग कर रहा है। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस पुल की तर्ज पर एक अन्य पुल इसके सामने बनाया जाना था, पर लेकिन एनएच विभाग का इस प्रस्ताव को जो भारत सरकार है उसने स्थगित कर दिया, जिसके बाद से ही इस पुल की मरम्मत का कार्य चल रहा है। जब यात्रा सीजन शुरू होगा 2024 का, तो उस दौरान इस पुल से भारी लोड वाहन की आवाजाही होगी, जिससे कहीं न कहीं देश विदेश श्रद्धालु है उनको भी राहत मिलेगी। दरअसल केदार घाटी तल्ला नागपुर कार्तिक स्वामी मंदिर को जोड़ने के लिए 60 के दशक में जिला मुख्यालय में अलकनंदा नदी पर बेलनी पुल का निर्माण किया गया था। लगभग 6 दशक गुजरने के बाद वर्तमान में पुल की स्थिति काफी नाजुक बनी, जिस कारण प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही रोकने का निर्णय लिया था। केदारनाथ तिराहे एवं पुल पर बैरियर लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई थी। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन स्तर से एक सुनहरी पहल की गई। गत वर्षों से इसके ऊपर सतह सुधारीकरण के अंदर जो मलबा डाला गया था, उस अतिरिक्त मलबे को स्क्रैप कर हटाया गया है, जो काफी मात्रा में हट गया, लगभग 50 टन के आसपास मलबा हट चुका है। अब इसके ऊपर 25 mm की एक लेयर डाली गई है जो मेस्टिक एस्पाल्ट की है, जिससे इम्पेनिमेबल हो गया है और पानी अब नीचे नहीं जाएगा। तो 1960 के दशक में यह पुल बना था, जिसके बाद से इसके मरम्मतीकरण के अलावा इसके जगहों पर नए पुल के निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन भारत सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग ने इस पुल का मरम्मतीकरण का काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ही इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही इस पर लाइटिंग का कार्य किया जाएगा। डोबरा चांटी पुल की